सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पे यहाँ पे 60 सेकंड की वीडियो अपलोड हो चुकी है। देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी पे 60 सेकंड की वीडियो अपलोड हो चुकी है। पहले यहाँ पे 15 सेकंड की वीडियो, 14 सेकंड की वीडियो, 12 सेकंड की वीडियो ही अपलोड होती थी, लेकिन अब यहाँ पे 60 सेकंड की वीडियो मेरी अपलोड हो चुकी है। कोई यहाँ पे पार्ट नहीं बने, डायरेक्ट मैंने अपलोड की, डायरेक्टली एक मिनट की वीडियो मेरे यहाँ पे इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लग चुकी है। गाइस देख सकते हो, गाइस अभी भी ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, और अभी भी ये वीडियो चल रही है, ठीक है। तो आप लोग को पूरी वीडियो देख लेनी होगी और पूरा ही टाइम भी देख लेना होगा, एक मिनट हो चुकी होगी तभी मैं यहाँ पे बैक आऊँगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अनुमान देख सकते हो, गाइस यहाँ पे अभी भी ये लकीर चल रही है, और आप लोग देख सकते हो अभी भी ये वीडियो चल रही है। पूरी एक मिनट की वीडियो, 60 सेकंड की वीडियो है, मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं, और आप लोग देख सकते हो इसमें कोई पार्ट नहीं बनी है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ तक कोई पार्ट नहीं बनी है, तो मेरी वीडियो यहाँ से हो जाती है ख़त्म, ठीक है। देख सकते हो एक मिनट वीडियो हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे किस तरीके से लगाई है, मेरी दूसरी इंस्टाग्राम की आईडी है, उस पर ओनली 15 सेकंड की ही वीडियो लगी है, बाय द वे इससे आगे नहीं लगी है। क्यों नहीं लगी है, मैं उसका रीज़न बताता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो स्टोरी पर मैंने किया क्लिक, और यहाँ पर मैं अपने दूसरा अकाउंट था वो उसको कर देते यहाँ पर लॉगिन, ठीक है। मैंने किया उसको लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पे जो भी स्टोरी लगाता हूँ तो यहाँ पे 15 सेकंड की स्टोरी लगती है। जैसे कि मैं आप लोग दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे मेरी 15 स्टोरी लगी है, देख सकते हो गाइस ये स्टोरी है, देख सकते हो गाइस। और आप लोग टाइम से हिसाब से देख लेना, 15 सेकंड होने के बाद ये स्टोरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिसेबल्ड हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितनी स्पीड चल रही है, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि 15 सेकंड से ज़्यादा स्टोरी नहीं लगी है, ठीक है। देख सकते हो ये मेरी स्टोरी हट चुकी है, लेकिन मैं ये इंस्टाग्राम दूसरी आईडी ही इस ये वाली आईडी थी, इस पर तो हमारी एक मिनट की वीडियो लगी है स्टोरी पर। तो आप लोग ये स्टोरी किस तरीके से यहाँ पे ऐड करें, ठीक है। मैं आप लोग यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ बताऊँगा, और जो भी बताऊँगा वो एक्यूरेट अच्छा ही होगा, और आप लोग फुल नॉलेज आपको मिल जाएगी। सो गाइस ज़्यादा टाइम का बात ना हुई, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस मैंने इसको किया मिनिमाइज, ठीक है, मैंने किया मिनिमाइज, और आप लोगों को बैक आना है। बैक आ जाने के बाद आपको अपने फ़ोन की प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको इंस्टाग्राम को यहाँ पे सर्च कर लेना है, ठीक है। मैंने किया सर्च, उसके बाद आपको इंस्टाग्राम अगर आपको अपडेट बोलता है तो आप लोग अपडेट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी अपडेट कर लिया है, उसके बाद नीचे आ जाना। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना है। अगर यहाँ पे लीव मिल रहा है तो आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद इतना हो जाने के बाद बैक आना है, बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आ जाने के बाद आप लोग अपने फ़ोन का यहाँ पे जो भी सेटिंग होती है उसको ओपन कर लेना है। फ़ोन की सेटिंग ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो आप लोग वहाँ आ जाना जहाँ भी आपकी ऐप इंस्टॉल हो जाते हैं। देन अगर आप लोगों को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है तो घबराने की बात नहीं, आपको इसको मिनिमाइज़ कर लेना है। उसके बाद आप लोग अपने इंस्टाग्राम को यहाँ पे देख लेना कहाँ है, इसको आपको चेकआउट करके इसकी लॉन्ग प्रेस कर लेना इस तरीके का, ठीक है। उसके बाद ऐप इन्फो पे आ जाना है। देन ऐप इन्फो पे आ जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ रहा है। उसके बाद परमिशन पे क्लिक कर लेना है, और आप लोग यहाँ पे परमिशन को अलाउ कर देना है, जैसे कि फाइल एंड मीडिया इसको सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपको यहाँ अगर डाउंट अलाउ है तो इसको अलाउ कर देना है, ठीक है। मैंने अलाउ किया, उसके बाद बैक आना है। बैक आ जाने के बाद यहाँ पे लोकेशन को भी यहाँ पे अलाउ कर देते हैं, मैंने ऑलरेडी अलाउ कर दिया है। उसके बाद बैक आना है, बैक आ जाते हैं। एक बार और बैक आ जाने के बाद आपके सामने नीचे आ जाना है, यहाँ पे देखने मिल रहा है स्टोरेज एंड चेक, इस पर क्लिक कर लेना है। नीचे साइड में दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, स्टोरेज चेक और क्लियर चेक, ठीक है। तो आप लोग क्लियर चेक कर लेना, और क्लियर स्टोरेज का तभी करना जब आप लोगों का इंस्टाग्राम का पासवर्ड याद होना चाहिए, ठीक है। बाद में मत करना, फिलहाल मेरा पासवर्ड याद नहीं है तो मैं स्टोरेज नहीं करता हूँ, यानी कि क्लियर स्टोरेज नहीं करूँगा। तो इतना हो जाने के बाद आपको बैक आना है, ठीक है। बैक आ जाने के बाद यहाँ पे मोबाइल डाटा एंड वाईफाई, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे साइड में दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, इसके बाद आप लोग बैकग्राउंड डाटा इसका यहाँ पे ऑफ है तो इसको ऑन कर देना है। इसी तरीके डाटा यूजर्स इसको भी यहाँ पे ऑन कर देना है। उसके बाद इसको मिनिमाइज़ कर लेना है। मिनिमाइज़ करने के बाद आप लोग अपने इंस्टाग्राम को दोबारा से ओपन कर लेना है। दोबारा से ओपन करने के बाद आप लोग स्टोरी पर लगाओगे, जो भी पहली स्टोरी थी उसको हटा देना है, और आप दूसरी स्टोरी नए सिरे से लगा लेना है, ठीक है। अगर आपकी यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो आप लोगों को 12 से 24 घंटे का वेट कर लेना है, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो गाइस उम्मीद करता हूँ गाइस जो जानकारी आप जानना चाहते थे आपको मिल चुकी होगी। तभी भी आपको स्टोरी 60 सेकंड की लगाने में कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, हम आपको जल्द से रिप्लाई कर देंगे। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।